पुलिस ने जमीन से निकाला किशोरी का शव। गत दो दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत के मामले में आज पटियाली तहसील प्रशासन की देखरेख में इलाका पुलिस ने शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है। घटना थाना सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के ग्राम पीतम नगर हडोरा की है, जहाँ 14 अगस्त को गाँव के ही रहने वाले सुरेश की 16 वर्षीय किशोरी झुमकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। मौत के बाद शव को परिजनों ने 14 अगस्त को गंगा किनारे दफन क्रिया कर दिया। इसी बीच दफन क्रिया के बाद गांव के कुछ ग्रामीण द्वारा 112 पर गुप्त सूचना दे दी गई। इसके बाद पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर पटियाली नायाब तहसीलदार अरविंद गौतम और थाना पुलिस की देखरेख में मंगलवार की दोपहर 12 बजे के करीब थाना सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम हडोरा निवासी सुरेश यादव की 16 वर्षीय पुत्री झुमकी का शव गंगा नदी में दफन हुए शव को जमीन से खुदवा कर बाहर निकाला। बाद में शव को हत्या या आत्महत्या की वास्तविक मौत की हकीकत जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया को दिखाने के लिए झुमकी की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की। इन दोनों पहलुओं से पर्दा हटाना अभी बाकी है। मृतका के भाई निर्भान सिंह के मुताबिक उसकी बहन ने अपने आप आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों की सहमति से उसके शव को गंगा में दफना दिया था। उसी दिन 14 तारीख को ही किसी ने 112 पर फोन करके झूठी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने रात को 11 बजे मेरे ताऊ को हिरासत मिले लिया और आज मेरी मृतक बहन के शव को गंगा के गड्ढे से उखड़वा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले में कासगंज पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति का कहना है कि थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम पीतम नगर हडोरा में मृतका झुमकी पुत्री सुरेश यादव उनके परिवार वालों ने बताया है कि मृतका ने 14 अगस्त को 6:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए गंगा नदी के किनारे शव को दफना दिया। उसी दिन रात 11 बजे 112 पर अज्ञात कॉलर ने सूचना दी कि मृतका के पिता ने ही उसकी हत्या की है, हत्या करके शव को दफना दिया है। उसी के आधार पर पुलिस मौके पर गई थी और वैधानिक कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को जमीन से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। निर्वाण जी नाम है, कौन से गांव के रहने वाले? प्रीतम नगर के रहने वाले। निर्वाण जी, जो आपकी सिस्टर का जमीन से आज सब निकाला गया है, क्या वजह रही? जी वजह सर ऐसा है, ये उसने अपने आप शॉट की। स्टार्ट के बाद हम ग्रामीण लोगों ने सबने सलाह राह लेके उसे हमने दफनाया गड्ढे में, और उसके बाद में हमारे साथ 200-300 आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम कोई दिक्कत नहीं उसके बाद रात के 10 बजे किसी ने 100 नंबर कॉल की है हमारी सिस्टर के लिए, अपने आप सुसाइड की है उसने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कॉल भी आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और किसी ने शिकायत करने के बाद 10 बजे के बाद 100 नंबर हमारे ताऊ के लिए उठा के ले गए। उसके बाद ये लाश निकलवाई है। आखिर क्यों आत्महत्या करी आपने? ये पता नहीं है, वो कुछ मंद बुद्धि की भी थी और कोई चक्कर फक्कर आ जाते, जबकि दौड़ा भी आ जाता था। की संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, पूरा क्या मामला है? देखिए, थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में ग्राम पीतम नगर हरोड़ा में मृतका झुमकी 16 वर्ष की है, पुत्री सुरेश यादव। इनके परिवार के कहने के मुताबिक 14/8/2022 को 6:30 बजे मृतका जो है अपने साड़ी से गले डालकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन इन्होंने ना पुलिस को इन्फॉर्म किया ना किसी को इन्फॉर्म कर किया, या अपने परिजन को बुलाकर गंगा नदी के किनारे शव को दफना दिया। उसके बाद करीब रात को 12 बजे हमें 112 पे इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके पिता ने इस मृतका को मारा है, और उसी के आधार पर हम लोग गए थे और पूरी वैधानिक कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम के हेतु भेजा गया है। बाकी अन्य जो भी चीज सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, आपको विदित कराएंगे। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।